सोलन में हिमाचल भाजपा के साथ 85 लाख रुपए की ठगी हुई है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब सोलन के जिला अध्यक्ष आशुतोष बैद ने पुलिस में सोलन के एक व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि भाजपा ने कार्यालय के लिए जमीन खरीदने हेतु दीनानाथ नामक व्यक्ति को 85 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इस व्यक्ति ने राशि लेने के बावजूद ये जमीन किसी और को बेच दी है। उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने जमीन बेचने से पहले भाजपा पदाधिकारियों से इस बात की अनुमति नहीं ली थी। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा कि दीनानाथ ने समझौता भाजपा से किया और राशि भी खाते में डलवाई और उसके बाद जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी, इसलिए उन्होंने दीनानाथ के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई है। इस बात की पुष्टि सोलन के एएसपी अशोक वर्मा ने की। उन्होंने कहा कि भाजपा जिला अध्यक्ष ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने जमीन खरीदने के लिए उन्हें राशि जमा करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच दी गई, जिसमें सोलन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वर्ष 2016 में एक एग्रीमेंट के तहत समलेच में बीजेपी कार्यालय के लिए लैंड ली गई थी, तो अभी तक वो प्रोसेस चल रहा था, लेकिन इन द मेन टाइम उस व्यक्ति ने जो सेलर था उसने किसी और पार्टी को लैंड बेच दी। तो जब पुलिस के पास शिकायत आई है तो पुलिस ने इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फॉर्जरी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में केस दर्ज कर लिया और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें सर कोई गिरफ्तारी हुई? अभी तक नहीं है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक कंप्लेंट जो है श्री आशुतोष बैद्य जी हैं, अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कराई है। ये 2 लोग हैं, तो अब एक तो मिस्टर दीनानाथ हैं और एक और हैं उनके सहयोगी, उनके खिलाफ दर्ज किया गया है।